मैं यहाँ पे आज खड़ी हुई है और पीछे लगी हुई है वही गाड़ी ग्रैंड विटारा। तो हम आज जाएंगे ग्रैंड विटारा से। चेक होगा, ये फ्यूज आया हुआ वही चेक होगा। अब ये भाई यहाँ पे फ्यूडल अंकल जी यार जल्दी कर दो यार। तो गाड़ी में अब हम निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके। भाई हमारे सामने एक अंकल जी थे, वो तो कतई डर गए थे। तो भाई ऑलमोस्ट हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। तो यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह थोड़ी है साइड में, तो भाई ऐसा करते हैं गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं। तो भाई देखते हैं, बट डॉक्टर बैठे हुए हैं कभी है पास, तो चलते हैं अंदर डॉक्टर के यहाँ पे। डॉक्टर की क्लिनिक अभी नीचे है बेसमेंट। डॉक्टर साहब तो भी जो है कबीना कपूर के साथ फोटो खिंचवा रखी है, ये भी सही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब के ढेर सारे अवार्ड्स, तो भाई हम डॉक्टर के क्लिनिक से चले आए क्योंकि हमारा जो काम था हो गया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं स्वयं को लेने, क्यों अभी वो क्योंकि अभी किसी काम से गया हुआ था, तो अभी आ चुका है वो फ्री है। तो अभी जाके उसको उठाते फिर निकलते हैं हम घूमने के लिए कहीं बढ़िया जगह। आपको चाहिए लखनऊ में एक बढ़िया जगह दिखाते हैं, और वेदर भी इतना बढ़िया है वो आप देखिए वो। तो बढ़िया से आपको दिखाते हैं। तो भाई आज बारिश बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, ये देखे थे आप। तो अभी हम कहाँ पे खड़े हुए भाई? ये सिकंदरा। तो भाई बारिश बहुत गजब की हो रही है, हमारे तो थोड़ा सा टहल है गोमती नगर, लेकिन अभी बारिश यहाँ पे हो रही है तो टहलने कहाँ जाएं। तो ऐसे कार से इधर उधर टहल रहे हैं। तो मनोज भाई आप क्या बताना चाह रहे हो? भाई बारिश तो बहुत दिनों बाद ही हो रही है अच्छी खासी, कल से मजा आ रही है भाई बस। और बारिश में भाई हम लोग घूमने बहुत दिन बाद निकले, वैसे तो ऐसे निकलना हो नहीं पता बारिश के टाइम पे। आज हम निकले तो बारिश हो नहीं गई थी, बट जब हम इस एरिया में पहुंचे तो बारिश आए है, क्या बारिश हो गई थी। ये देखो पूरा एरिया पूरा ही गीला पड़ा हुआ है। ये 10:94 वो वहाँ भाई रास्ता वहाँ का मेडिकल पार्क साइड का वो। ये रहा भाई अम्बेडकर पार्क का रास्ता, अभी चलिए आपको अम्बेडकर पार्क के दर्शन करवाते हैं। बट अंदर तो नहीं जा सकते थी बारिश में। वाह
से दिखाते हैं। सिग्नल नहीं खुला था क्या? लोग बारिश से बचते हुए, यह हमारा लखनऊ, ये लोग बारिश से बचते हुए भाई ये साइड के नीचे, मतलब उसकी छांव है ये इसकी, तो उसी में खड़े हुए हैं। बारिश में तो हो तो ठीक ठाक ही वही है भाई। पहले हम लोग भी बाइक से जाने का प्लान हो रहा था, बाइक से जाने का प्लान, बाद में हमने सोचा चलो कार से चलते हैं, बाइक से आते हैं तो हम भी ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी छांव के नीचे खड़े होते हैं भाई। गाड़ी चलाना तो इतनी खास हो रही है, बस घूम रहे अपना। ये भाई 10-90 वाला रास्ता, और इसको जस्ट क्रॉस करते ही एक साइड में अम्बेडकर पार्क है और इस साइड पे ताज होटल है। ताज होटल के पीछे साइड वो जो पार्क हमारे यूपी दर्शन बना हुआ है, तो वो भी है। आप अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे भी घूमने आ सकते हैं, ये भी अच्छी जगह है, आपको यूपी के दर्शन हो जाएंगे एक ही जगह बैठ के। वो आज सामने आपका जने ये अम्बेडकर पार्क, इंटरसेप्टर भाई यहाँ के गोमती नगर के उस कांड के बाद से पुलिस वगैरह यहाँ पे, देखे बारिश का टाइम स्टार्ट नहीं हो, पुलिस वगैरह खड़े हुए कि अगर यहाँ पे पानी वगैरह भर जाए तो किसी के साथ कुछ हो ना, और ये टाइम पे पहुँच सके यहाँ पे, क्योंकि योगी जी ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है पूरे। तो ये रहा आपका अम्बेडकर पार्क, तो बारिश है तो अभी खाली है, बट लोग फिर भी अभी टहल रहे पूरे। देखेंगे तो सीढ़ियों से उतरते हुए लोग दिख रहे होंगे अभी। इतनी कुछ खास इस साइड पे तेज बारिश हो नहीं रही है, बट पुलिस वालों को यहाँ पे खड़ा किया गया कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में एक केस हुआ है। चलिए वो केस भी आपको दिखाते हैं इसी क्लिप में। ये भाई हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और मनोज बारिश के करके बाहर निकला, वो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो पता नहीं बाहर निकलने के मना कर, कह रहा भाई बारिश में भीग जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। वो रहा भाई JP इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफिस, और इसी बिल्डिंग में ही, इसी के नीचे ही पूरा ग्राउंड पे आपका यूपी दर्शन पार्क है, और ये रहा आपका वेनिसा होटल, और इसी के जस्ट बगल में ताज होटल भी है यहीं पर भाई। तो आप घूमने आना चाहें तो इस साइड आ सकते हैं, ये काफ़ी मतलब संडे अगर मॉर्निंग आएंगे तो इस रोड पे आपको लखनऊ की सुपर बाइक्स वगैरह आपको स्टैंड करते हुए दिख सकती हैं। पुलिस वाले भैया आ गए कहीं ये भगाने ना लगे हमको, यहाँ पे ना। तो ये कुछ यहाँ का ऐसा सीन हुआ बारिश में, आज हम निकल रहे हैं टहल ना। हाँ इधर चो, तो भाई अब हो चुका है ड्राइवर चेंज, अब गाड़ी ड्राइव कर रहे मनोज भाई, क्योंकि बारिश हो चुकी थी तेज, तो मैंने कहा भाई मैं काफ़ी गाड़ी आज ड्राइव कर चुका हूँ, ऐसा करो अब गाड़ी तुम ड्राइव कर लो इस साइड से। या ये सब रॉन्ग साइड से क्यों गाड़ी चढ़ा रहे भाई, ये तो बंदे है। घूम घाम के निकल चुके वापस, घूमा तो कुछ है ही नहीं, बस जिधर भी गए उधर बारिश होती रही, तो आज बस ऐसे पूरा दिन बारिश बारिश में कट गया। और दुकान वगैरह से हम निकले थे काम वाम करके, उतना भी कुछ खास वैसे भरा नहीं है, पर नए नए लोग डर जाते हैं भाई इतना पानी देख के भी जो इस साइड पे आते हैं। इस कॉर्नर पे ना, इस कॉर्नर पे जहाँ से बाइक उधर जाते टाइम ना, यहाँ पे पानी अच्छा खासा भरा हुआ है, अपनी साइड थोड़ा सा ऊंचा है, उस साइड काफी नीचा है, लोग इधर घूम रहे हैं यार, एक साइड नहीं चल रहा है, ठीक जाओगे फिर लोग पता है किधर से भी चले आ रहे हैं, थोड़ा एक वे में चले तो यार।
भाई जो जिधर से पावर उधर से चलता वो चला रहा है, इनको बाइक वाले भी भाई ये तो देख लो जहाँ पाते वहाँ लगा भी तो देते हैं देखो बैटरी बस वो यही है, मतलब चौराहा काफी नीचे है, उधर की रोड ऊपर है, उस साइड से ऊपर है, से बन गई है और चौराहा वही है। अभी कहीं आधे घंटे बस जाता ये पूरा भर जाता है, ये देखो गलियों में भाई कितना सही पानी भरा हुआ है, ये देखो यार कहाँ जाना है क्या जाना है आदमी को कुछ होता ही पता नहीं रहता है। भाई आज हम घूमने गए, क्या ही घूमा कहाँ गए हमें खुद को पता नहीं चला, गाड़ी में ही बैठे क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए इतना पानी हर तरफ था वह हमें भी नहीं पता कहाँ गाड़ी लगी क्या है। जब थोड़ा बहुत पानी कम हुआ बाहर निकले फिर वापस आ गए, डॉक्टर के यहाँ जाना था वहाँ से होके आए, फिर हजरतगंज गए वहाँ पे कुछ काम था फिर वापस आ गए गाड़ी में, तब से गाड़ी में बैठे हुए और शाम के बज चुके हैं 5:30। ये देखो यार रोडो पे भाई अब क्या ही बताएं रोडो पे क्या हाल हो रखे हैं, बारिश के बाद ऐसा ही होता है, कौन की तरफ से आगा कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये देखो कितना जाम लगा इधर साइड में, वो देखो इधर भी ट्रैफिक खैर कि इधर कम है नहीं, इधर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया पूरा ट्रैफिक, पीछे भाई चौबे पे काफी अच्छा ट्रैफिक लगा रखा है, बस यार रोड के नीचे ना यहाँ से जो नीचे उतर के हमारे घर साइड गया हुआ उसे पानी ना भरा हो क्योंकि उस पर अक्सर बारिश में पानी अच्छा खासा भर जाता है। अबे आ रहे हैं ऑटो ऑटो में तो इतना खास कुछ नहीं भरा हुआ है भाई, कुछ भी नहीं भरा हुआ यार, पंप जब से लगा दिए ना मेरे को तो बिल्कुल भी पानी भुगता ही नहीं भरता ही नहीं है भाई जल्दी, अब इतनी बारिश को हुई भी ना हो इधर उतनी बारिश हुई भी नहीं है, हमें लग रहा है इधर कम है भाई कपूरथला पे हुई है ना वहाँ ज्यादा हो गई है, इधर उतनी हुई भी नहीं है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने घर साइड पे, अब यहाँ निकलते हैं, सोचा था इस साइड पानी भरा होगा मगर भाई बिल्कुल उल्टा है, यहाँ तो भाई ये ऐसा लगता है ना हमारी साइड बारिश हुई ही नहीं और दूसरी साइड तो काफी अच्छी बारिश हुई है, यहाँ तो भाई रोडो में पानी वगैरह कुछ दिख भी नहीं रहा है, लग रहा है बारिश ही कम हुई है मुझे लग रहा है, मेरे को फील आ ही नहीं कि बारिश हुई, लेकिन आप पीछे वीडियो में देखते थे पीछे से कि कितनी ज्यादा बारिश हुई उधर, तो भाई बहुत भयंकर बारिश हुई, रोडो में पानी अच्छा खासा भर भी गया है, यहाँ पे पानी देखे कितना सही भरा हुआ है भाई, इतनी दूर में उधर जा अलीगंज एरिया छोड़ के यहाँ पे जान के वहाँ पानी तो कुछ ज्यादा ही अच्छा गिरा हुआ है, बोर्डों पे पानी भरा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये देखो वाटरफॉल चल रहा है कैंटी फॉल है भाई, इतना पानी तो मैंने किसी की छतों से नहीं गिरते हुए देखा है, इतनी जोर का पानी तो बादल से ना गिर रहा है जितना इसके छत से गिर रहा है, छत बंद कर रखी थी लगता है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी खड़ी कर दी साइड में, तो अभी चल रहे हैं घर, देखते हैं घर पे कुछ